माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी जवाब के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण का प्रावधान देश में हुआ और जो देश के विश्वविद्यालयों के अंदर जो स्थिति है आज की तारीख में, अध्यक्ष जी, 2371 प्रोफेसर में से केवल एक प्रोफेसर ओबीसी का, 4708 एसोसिएट प्रोफेसर में केवल 6 प्रोफेसर ओबीसी के। ये जवाब है, जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। जब बैठो, बैठो, चुप, जब बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, ये जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। जब बैठो, बैठो, चुप, जब बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसर में, सहायक प्रोफेसर में 9521 में 1745 प्रोफेसर। माननीय मंत्री जी, मंडल आयोग की सिफारिश देश के संविधान इसी सदन के पास किए हुए कानून की भावनाओं के अनुरूप मेरा एक ही आपसे प्रार्थना भी है और सवाल भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 27% हक पिछड़ों को मिलना चाहिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब तक मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अकेले आपका दोष है, दोष इन लोगों का भी है जो इतने दिनों से चलाए हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले, चाहे आप दो, चाहे आप दो, चाहे कोई दो, और नहीं दोगे तो संघर्ष होगा सड़कों पर। ये मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ। उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज है, और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में आईएसआईएस को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।